नमस्कार, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करने जा रहे हैं, वो है फ्लाई ऐश। आपने देखा होगा शहरों में फैक्ट्रियां होती हैं या कोयले के संयंत्र होते हैं और बिजली के संयंत्र होते हैं जो कोयले के माध्यम से चलते हैं। इनसे जो धुआं निकलता है इसमें महीन बारीक कण होते हैं जिसमें भारी धातु होती है। जब कोई व्यक्ति श्वसन की क्रिया करता है तो ये भारी धातु के कण उनके शरीर के अंदर चले जाते हैं और जिसके उनके शरीर उनको काफ़ी अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस महत्वपूर्ण तथ्य पर आज आइए प्रकाश डालते हैं, क्योंकि यह समस्या लगातार भारत में बढ़ती चली जा रही है, लगातार फैक्ट्रियां लगती चली जा रही और फ्लाई ऐश के कारण कभी कभी आपने देखा होगा कि ओवर पॉल्यूशन भी दिखाई पड़ता है, धुंध हो जाती है और सांस लेने में काफी अधिक समस्या आने लगती है। तो आइए देखते हैं कि क्या है फ्लाई ऐश और ये इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है। प्रश्न ये बनता है कि फ्लाई ऐश क्या होता है। तो आजकल जो फ्लाई ऐश है ये सुर्खियों में है और हर जगह इसे उत्पादन, पर्यावरणिक और स्वास्थ्य संबंधी खतरों की बात चल रही है। सरकार ने हाल में एक वेव आधारित निगरानी प्रणाली और फ्लाई ऐप मोबाइल एप्लीकेशन का आरंभ किया है। आइए जानते हैं कि क्या है फ्लाई ऐश और ये कैसे हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरा बना है। ये भी जानेंगे कि किन चीजों में हम इसका उपयोग करने में मजबूर हैं और इसका समाधान सरकार किस प्रकार से निकाल रही है। तो ये कई आयामों पर आइए हम लोग अब बात करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्लाई ऐश है क्या। फ्लाई ऐश एक बारीक पाउडर है जो तापीय बिजली संयंत्र में कोयले के जलने से उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यानी जब बिजली का संयंत्र के लिए कोयला जलाया जाता है तो जो धुआं होता है उसमें क्या होता है, बारीक कण निकल करके आप ऊपर आते हैं जो इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं। इसमें भारी धातु होते हैं, जो आपका धुआं फैल जाता है इन्वायरमेंट में उसमें भारी धातु होते हैं और आपको पता है कि ये भारी धातु ह्यूमन लाइफ के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। और साथ ही PM2.5 और ब्लैक कार्बन भी इसमें समाहित रहते हैं। इसमें पाया जाने वाला PM2.5 गर्मियों में हवा के माध्यम से उड़ते उड़ते 20 किलोमीटर तक भी फैल जाता है। जैसे जहां पे आपकी कंपनी एस्टेब्लिश है उस एस्टेब्लिश कंपनी से चारों तरफ आप 20 किलोमीटर की रेंज में ये फैल जाता है, ठीक है। और ये पानी और अन्य सतहों पर भी जम जाता है। फ्लाई ऐश में क्या उपलब्ध होते हैं भारी धातु के रूप में, आपके सिलिका उपलब्ध होते हैं, इसमें एल्युमिनियम उपलब्ध होता है और कैल्शियम के ऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा होती है। इसके साथ ही साथ ये जो आपके पास फ्लाई ऐश होता है इसमें आर्सेनिक, आपके बोरान, आपके क्रोमियम तथा सीसा जैसे तत्व भी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार इससे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए बहुत गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये एक समस्या आज जो मेगा सिटी हमारे पास बन रही है, यहां पे इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, उसके चारों तरफ ये समस्याएं आप सबसे ज्यादा देख सकते हो और सबसे ज्यादा इससे संक्रमित जो बीमारी होती है वो श्वसन रोग से संबंधित बीमारी आप देख सकते हो। तो फैक्ट्रियों से निकलने वाले कोयले के धुओं से फ्लाई ऐश तो वातावरण में फैलता ही है, साथ ही साथ कई बार फैक्ट्रियां फ्लाई ऐश को जमा करके बाहर उनका भंडार बना देती हैं। ये सारे कचरे जमा होकर कभी कभी पहाड़ जैसा बन जाता है। आप इन फैक्ट्रीज के सामने जाइए और इनसे जो फ्लाई ऐश निकलती है, जिसको आप राख भी बोल सकते हो मोटे तौर पे, ये कंपनी के बाहर क्या तो खुले स्थान पे लगा दिया जाता है और जब आंधी तूफान चलता तो ये फ्लाई ऐश आपकी इन्वायरमेंट में फिर से घुल जाता और उस पूरे एरिया में पॉल्यूशन फैलाता रहता है और इनकी मात्रा बहुत बड़ी हो सकती है।
ठीक है, वहां फ्लाई ऐश वातावरण को प्रदूषित करते ही रहते हैं और बहुधा नदी और नहरों में भी फ्लाई ऐश के अंश चले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब भारी तत्व इसमें भारी तो होते हैं लेकिन क्या होता है कि ये उड़ते बहुत ज्यादा हैं, और जिससे क्या होता है पानी की सतह पे चिपकते हैं तो नदी के माध्यम से सभी जगह ये पहुंच जाते हैं। अब अगर इस फ्लाई ऐश को आपने ये जो देखा फ्लाई ऐश होता, अगर हम इसका यूज कर लें, आपने देखा होगा सीमेंट, सीमेंट में जो काला काला आपने देखा होगा काला पाउडर होता है, ये फ्लाई ऐश से ही सीमेंट बनती है, तो कहीं ना कहीं सीमेंट के माध्यम से इस फ्लाई ऐश के प्रयोग को दिखाया जाता है। तो सरकार चाह रही है कि इस प्रकार, क्योंकि हम बिजली के संयंत्र बंद नहीं कर सकते तो उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार के फ्लाई ऐश का प्रयोग हम यहां पर कर सकते हैं। तो आइए देखिए, तो इससे कृषि में अम्लीय मृदाओं के लिए एक अभिकारक के रूप में, जहां की मिट्टी अम्लीय है उसको सही करने के लिए फ्लाई ऐश का प्रयोग कर सकते हो। मृदा कंडीशनर के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इससे मृदा की महत्वपूर्ण भौतिक रसायन विशेषताओं जैसे कि जल धारण क्षमता, हाइड्रोक्लोरिक कंडीशन कंडक्टिविटी आदि में भी सुधार हो जाता है। भारत में अभी तक फ्लाई ऐश प्रयोग को अपनी संभावना का प्रयोग पूर्ण प्रयोग करने में सक्षम नहीं हुआ है। भारत में फ्लाई ऐश तो है लेकिन इसका ऑप्टिमम यूज भारत नहीं कर पा रहा, जिससे यह हमारे लिए समस्याएं बना हुआ है। हाल ही के सीएसई के एक अध्ययन के अनुसार उत्पादित की जाने वाली फ्लाई ऐश का मात्र 50-60% ही प्रयोग हो पा रहा है, बाकी आपका 50% या 40% फ्लाई ऐश आज भी क्या होता है इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन के रूप में मानव जीवन को, आपके पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। फ्लाई ऐश का उपयोग सीमेंट, पूर्व निर्मित भवन सामग्री, ईंटों को बनाने में, सड़कों को बनाने में, आवास और औद्योगिक भवनों को बनाने में, बांधों को बनाने में, फ्लाई ओवर बनाने में, बंजर भूमि के सुधार में, खानों के भरावों में और अन्य सभी निर्माण कार्यों के लिए किया जा सकता है। इन उपयोगों को उचित रूप से बढ़ावा देना चाहिए। फ्लाई ऐश गर्मियों में PM2.5 शुद्ध श्वसनी प्रदूषण कणों का एक प्रमुख स्रोत है। ये वायु जनित हो जाता है और 10 से 20 किलोमीटर के दायरे में ये पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसलिए फ्लाई ऐश ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि ये सभी जगह स्प्रेड हो जाता है। ये पानी और अन्य सतहों पर चिपक सकता है। फ्लाई ऐश में भारी धातु जैसे कोयला, PM2.5, ब्लैक कार्बन BC की एक बड़ी मात्रा होती है, जो ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और फ्लाई ऐश का उचित निपटान अभी भी कई स्थानों पर नहीं हो रहा, जिससे इसे खुले में डाल देते हैं या नदियों के माध्यम से इसे बहा देते हैं, जिससे जलीय जीव जंतु और मानव जीवन प्रभावित होता जा रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और इसकी संभावनाओं पर हम लोग देखते हैं क्या है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट द्वारा 2009 में जारी की गई अधिसूचना में फ्लाई ऐश के उपयोग के विषय में दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसमें यह लिखा है कि MOEF तापीय बिजली संयंत्र 100 किलोमीटर की परिधि में फ्लाई ऐश के प्रयोग का समर्थन करता है, ठीक है। वहीं IIT कानपुर और IIT दिल्ली ने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर के फ्लाई ऐश को लेकर के नवाचारी उपयोग करने का प्रयास किया, इनोवेटिव काम किया कि ये जो 100 किलोमीटर के दायरे में आपका फ्लाई ऐश फैल जाता है, क्यों ना इसको इनोवेटिव काम करें और इसको किसी न किसी प्रयोग में लगाया जाए। उन्होंने हाल में प्री स्ट्रेस्ड रेलवे कंक्रीट स्लीपर का भी निर्माण किया है, ठीक है। फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए नीति बनाने वाला महाराष्ट्र देश का प्रथम राज्य, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि महाराष्ट्र जो है वहां पर फ्लाई ऐश का ऑप्टिमम यूज करने की बात की जा रही है, ठीक है। महाराष्ट्र ने सिंगापुर व दुबई जैसे स्थानों से आने वाली मांग को देखते हुए फ्लाई ऐश के निर्यात की एक नीति बनाई है कि भारत में जितना फ्लाई ऐश होता है, क्योंकि इन कंट्री में सीमेंट में, भवन निर्माण में, सड़क निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं, तो इसलिए क्यों ना हम लोग फ्लाई ऐश को वहां पर एक्सपोर्ट कर दें, जिससे तापी बिजली संयंत्रों के आसपास सीमेंट जैसे ऐश आधारित औद्योगिक संकुल के विकास की घोषणा की गई कि
इन्होंने कहा कि जहां पर तापी बिजली उत्पादन हो रहा उसी के बगल में आप एक काम करिए, सीमेंट की फैक्ट्री भी ओपन कर दीजिए, ताकि इससे निकलने वाले फ्लाई ऐश को ये सीमेंट फैक्ट्रियां यूज कर सके और लोगों के प्रयोग में आ सके। तो इससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा और एक हम बड़ी समस्या से बच जाएंगे। कोल ऐश फ्लाई ऐश का उपयोग कृषि भूमि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसलिए किसानों के बीच फ्लाई ऐश के उपयोग को बढ़ावा देने के कार्यक्रम में कृषि विभाग को भी शामिल किया गया है। सरकार ने फ्लाई ऐश का निर्यात करने का निर्णय लिया है, जिससे 1500 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो सकती है। तो यही फ्लाई ऐश जो आज ह्यूमन लाइफ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक है, अगर उसका प्रॉपर यूज किया जाए तो ये गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का सोर्स भी हो सकती है। अभी आगे की राह, क्योंकि काफी प्रॉब्लम्स हैं, तो फ्लाई ऐश 100% उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं। आसपास के बाजारों में फ्लाई ऐश आधारित भवन उत्पादों को उपलब्ध कराना, जैसे ईंट आप उपलब्ध करा सकते हो, आप क्या कहते हैं उनके जो छत में बिछाने के लिए पत्थर होते हैं उनको फ्लाई ऐश से आप बना सकते हो, आप स्लेट्स बना सकते हो, टाइल्स फ्लाई ऐश से बना सकते हो। तो भवन उत्पादों को निर्माण करने के लिए इसको लगाने की बात की जा रही है। रेलवे लाइन को बिछाने के लिए स्लीपर निर्माण, आपने देखा होगा जो रेलवे की पटरियां होती हैं उसमें जो स्लीपर्स लगे रहते हैं, उन स्लीपर्स को कहा जा रहा है क्यों नहीं फ्लाई ऐश के माध्यम से इसे बनाया जाता है। कृषि और बंजर भूमि के सुधार में इसके उपयोग में जागरूकता, क्योंकि ये अम्लीयता को समाप्त कर देता है, तो फ्लाई ऐश का प्रयोग करके जो भी हमारे पास बंजर जमीन है उसको उर्वरक जमीन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा पहल इसकी हो सकती है। फ्लाई ऐश कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान दहन का अंतिम उत्पाद है। जब बिजली हम उत्पादन करते हैं तो अंतिम उत्पाद के रूप में ये निकलता है। निर्माण उद्योगों के कई अनुप्रयोग के लिए एक सिद्ध साधन सामग्री है। अगर इसको भवन निर्माण में यूज किया जाए, रोड निर्माण में यूज किया जाए, तो शायद ये एक अच्छा रिसोर्स या सोर्स बन सकता है। इसके अलावा आपने मुंबई में देखा होगा बड़े बड़े आपके पिलर्स पड़े होते हैं समुद्र के किनारे, ताकि कटाव ना हो सके, तो उससे को भी फ्लाई ऐश के माध्यम से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सीमेंट, ईंट, ब्लॉक, टाइल के निर्माण, सड़क तटबंध निर्माण और निचले क्षेत्र के विकास आदि का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में 63% फ्लाई ऐश का उपयोग किया जा रहा है और फ्लाई ऐश के 100% उपयोग का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए शिक्षा और जागरूकता की अभी आवश्यकता है। सड़क के ठेकेदारों, निर्माण इंजीनियरों को निर्माण कार्यों में फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए लाभों को जानना होगा, तभी हम फ्लाई ऐश का निपटान आसानी से कर सकते हैं। कर संरचना, सब्सिडी, परिवहन सेवाओं के माध्यम से फ्लाई ऐश का उपयोग करें। सड़कों के निर्माण की लागत को कम करने के लिए भी आप फ्लाई ऐश का प्रयोग करिए, ताकि जहां पे कच्ची सड़कें आप उनको बना सके और साथ ही साथ फ्लाई ऐश का निपटान भी हो सकता है। इसके अलावा कोयले को इसके मूल स्थान पर धोने से राख को बिजली संयंत्र में आने से रोकने की आवश्यकता है। ठीक है, सरकार को सीमेंट प्लांट में फ्लाई ऐश के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति और बनानी चाहिए, ताकि सीमेंट उद्योग इसका ज्यादा से ज्यादा खपत कर सके। तो ये हमने देखा फ्लाई ऐश, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दायक है ह्यूमन हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि इसमें भारी धातु होते हैं और भारी धातु ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। तो ये आपके धूल के कण के रूप में आकाश में उड़ते रहते हैं, इसमें कार्बन के कण पाए जाते हैं और अन्य कण भारी धातु के पाए जाते हैं, जो श्वसन के माध्यम से मानव जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि ये पानी की सतह में जम जाते हैं, चिपक जाते हैं। इसलिए इसका समाधान सोचना अविलंब बहुत अनिवार्य हो जाता है। दिस इज द लिटरेचर साइट एंड सोर्स। ठीक है, सो मच, थैंक यू।